गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर 11 है उसको खत्म करने वाले हैं, कम्युनिकेटिंग यूजिंग ईमेल। तो इसके हम लोग दो वीडियोस अब देख चुके हैं, इसका तीसरा वीडियो ये है और इसके साथ ही दूसरे वीडियो साथ ही भेजा जा रहा है। तो ये क्या है, इसमें हम लोग ईमेल के बारे में देख रहे थे कि ईमेल से हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, ईमेल से फ़ायदा क्या था वो सब लोगों ने देख लिया था। ईमेल में हम लोग को इनबॉक्स कहाँ पर होता है, उसका क्या काम होता है, ठीक है, हम ईमेल कैसे करते हैं, ईमेल एड्रेस क्या क्या होता है, वो सारा कुछ हमने देखा था। आज हम लोग को जो देखना है वो है कि हम अगर कोई ईमेल भेज देते हैं तो उसको हम कहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, फाइल को अटैच कैसे कर सकते हैं, रिसीव कैसे कर सकते हैं, मेल को कहाँ पर आता है वो कहाँ पर देख सकते हैं, कोई अटैचमेंट अगर आया है आपके पास तो आप उसको कैसे देखेंगे, स्पैम मैसेज स्पैम ईमेल क्या होता है, ठीक है, रिप्लाई कैसे करते हैं, फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सेविंग और सर्चिंग क्या है, और लास्ट में साइन अप, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं विविंग सेंट ईमेल्स, ठीक है, मतलब क्या है कि आपने जो ईमेल्स भेजा है आपको अगर वो चेक करता है कि मैंने ईमेल भेजा था गया है कि नहीं, या फिर मैंने कौन कौन सा ईमेल भेजा था, तो आपके लिए उसके लिए एक फोल्डर आता है, उसका फोल्डर का नाम है सेंट मेल फोल्डर, ठीक है। तो आप अपने बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 118 पे, यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर, उसमें फोल्डर में क्या है सेंट मेल का। तो आप जो भी मैसेज भेजते हो, जो भी सेंड करते हो, ठीक है, जो भी आप ईमेल सेंड करते हैं वो सारा कुछ किसमें सेंट मेल में आ जाता है और वहां पे आपको सारा दिखाई देता है, आप उसको खोल के देख सकते हो, चेक कर सकते हो कभी भी। अभी आपको क्या करना है, अटैच करना है फाइल, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है आप ईमेल लिखते हैं उसमें मैसेज लिखते हैं, ठीक, लेकिन अगर आपको मैसेज के साथ कोई फोटो भेजना हो गया या कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो गया या कोई टेक्स्ट फाइल भेजना हो गया तो कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है अटैच करने का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने बुक में, ठीक है, यहाँ पे अटैच अ फाइल एक ऑप्शन आता है अटैच अ फाइल का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे एक स्क्रीन पॉप हो जाएगी, उसमें पूरा आपका कंप्यूटर का स्क्रीन जो भी है फाइल दिखाएगा। तो आपको उसमें से जो भी फाइल भेजनी है जहाँ पे आपने सेव किया होगा उस लोकेशन पे जाएंगे, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आप जो भी फाइल भेजना चाहते हैं वो फाइल ईमेल के साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है, वो पहले डाउनलोड होगा पूरा अपलोड होगा, ठीक है, अपलोड होगा जब उस पर सेंड पे क्लिक करेंगे तो मैसेज के साथ साथ जो आप फोटो या टेक्स्ट फाइल जो भी कुछ भेज रहे थे वो भी उसके साथ चला जाएगा, ठीक है। अभी आप जो ईमेल रिसीव करते हो वो कहाँ पे आता है, तो वो आपके इनबॉक्स में आता है, वो कौन से फोल्डर में, इनबॉक्स फोल्डर, ठीक है। आप अपना अगर इनबॉक्स फोल्डर खोलेंगे तो आपको जो भी ईमेल किया रहेगा वो चीज वहां पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, आपके पास जो मैसेज या ईमेल आया रहेगा, ठीक है। अभी आपको अगर अटैचमेंट देखना है तो आप कैसे देखेंगे, तो उसके लिए एक तरीका है कि आप जब उस मैसेज को खोलेंगे, आपको जो ईमेल आएगा आप जब उस ईमेल को खोलेंगे, ठीक है, तो उस ईमेल में जो भी मैसेज आएगा मैसेज आएगा और नीचे ऑप्शन आएगा उसके नीचे रहेगा, ठीक है, कि आपको साथ में ये फाइल भी भेजा गया है। तो आप उस फाइल को दो काम कर सकते हो, या तो आप व्यू कर सकते हो मतलब देख सकते हो सीधा, या तो डाउनलोड कर सकते हो। तो आप अगर डाउनलोड करते हैं तो उसको डाउनलोड करने के बाद आपके वो फाइल में कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, आप उसको बाद में कभी भी देख सकते हो, और अगर व्यू में क्लिक करते हो तो सेव नहीं होता, वो सिर्फ आपको खोल के क्या करेगा दिखाई देगा, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि अगर वो सही है तो फिर आप डाउनलोड करो, और अगर गलत है तो आप उसको डाउनलोड मत करो, ठीक है। अभी स्पैम क्या होता है, स्पैम ईमेल क्या होता है, तो ऐसा ईमेल जो कि बल्क में हो और अनसोलिसिटिकेटेड हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बताते हैं, जिसमें कौन कौन से ईमेल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो कि ये मेरा तेल खरीद लीजिए, ये साबुन अच्छा है, ठीक है, या फिर आप यहाँ से कुछ कर लीजिए, GoDaddy से जाके कुछ कर लीजिए, कुछ ऐसा सब, तो वो सब क्या है स्पैम में आता है। इसके अलावा इनविटेशंस है, ठीक है, मतलब कुछ वेबसाइट का इस वेबसाइट आई है आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा, ठीक है, या फिर आप ये सामान खरीदिए अभी ऑफर चल रहा है आपको आईफोन मिल जाएगा 1 रुपए में, ठीक है, तो वो सब क्या होता है फर्जी वाला होता है, वो सब आपको सिर्फ लूटने के लिए होता है, अगर आप वहाँ पे जाते नहीं है तो आपका पूरा कंप्यूटर हैक हो सकता है, उसमें साथ साथ वायरस भी हो सकता है जो आपके पूरे कंप्यूटर को खराब कर देगा। तो इस तरह से जो स्पैम में ईमेल्स होते हैं उनको नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग दो वर्ड यूज कर रहे थे अनसोलिसिटेड और बल्क का, तो अनसोलिसिटेड मतलब होता है कि बिना आपकी परमिशन के, ठीक है, आपने वैसे मैसेज को परमिशन नहीं दिया है, वो बिना आपकी परमिशन के आपके ईमेल पे बाकी लोग के ईमेल पे हमेशा आते रहते हैं, ठीक है, बार बार आता रहेगा आपको परेशान करने के लिए। और दूसरा आता है, दूसरा वर्ड था बल्क, बल्क मतलब बहुत ज्यादा लोगों को, तो इस तरह के जो स्पैम ईमेल्स होते हैं वो लाखों लोगों को भेजे जाते हैं, ठीक है, तो वो इस होप में करते हैं कि लाखों लोग में से कुछ लोग क्लिक करेंगे, तो अगर कुछ लोग क्लिक कर देते हैं तो उनके क्या हो जाएंगे शिकार हो जाएंगे, उनका सारा डाटा चोरी हो जाएगा और हो सकता है कि उनका सारा पैसा भी चोरी हो जाए।
ठीक है। तो इस तरह से जो अगर आते हैं तो आप उनको नहीं खोलेंगे, ना ही कोई अटैचमेंट डाउनलोड करेंगे। अब लोग बात करते हैं रिप्लाई। रिप्लाई में दो ऑप्शन आता है, एक रिप्लाई का और एक रिप्लाई टू ऑल का। तो इसका मतलब क्या हम लोग देखते हैं, रिप्लाई का पहले मतलब क्या है, रिप्लाई मतलब आपको कोई मैसेज आया, ठीक है, आपको कोई ईमेल आ रहा है, आप उसका जवाब देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपने, आपको किसी ने इन्वाइट किया कि मेरे बर्थडे में आना, ठीक है, ईमेल पे आपने उसने आपको किया, तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं कि ठीक है मैं जरूर आऊंगा, या फिर मतलब मैं बिजी हूँ इस बार नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, जो भी आपको इस तरह से बताना हो। तो आप उसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रिप्लाई करने के लिए क्या है आपके पास वहाँ पे, ठीक है, आपके तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक रिप्लाई टू और एक फॉरवर्ड का होता है। तो फॉरवर्ड में बाद में देखेंगे, अब लोग देख रहे हैं पहले रिप्लाई, ठीक है। तो रिप्लाई में क्या है कि आपको कोई एक पर्सन भेजा है, आप उसी एक पर्सन को वापस रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज क्या होता है एक्स्ट्रा, कि आपका जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट सेम रहेगा, बस उसके आगे क्या लिखता है री, ठीक है, आर ई, मतलब आप रिप्लाई दे रहे हैं उसका, ठीक है। आप अपने बुक में पेज नंबर 120 पे, ठीक है, 120 पे देख सकते हैं ऊपर में, ठीक है, सब्जेक्ट वहां पे रेड किया गया है, सब्जेक्ट के बगल में वो क्या है री, तो एक री वर्ड लग जाता है अगर हम रिप्लाई करते हैं तो। और उसके नीचे आपका जो मैसेज हो, जो भी आप पहले भेजा गया था, वो पूरा पूरा मैसेज कॉपी हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं उसका रिप्लाई दे रहे हैं, और आप जो भी मैसेज लिखेंगे वो उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। अब रिप्लाई टू ऑल क्या होता है, मान लीजिए आपको मतलब आप ही के साथ चार पांच लोगों को और भेजा गया है, ठीक है, या फिर चार पांच लोग और मिल के आपको भेजा है, तो इससे क्या होगा कि आप जब रिप्लाई टू ऑल करेंगे तो जितने लोग भी थे साथ में उन सबको रिप्लाई चला जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड का। तो रिप्लाई में क्या था कि रिप्लाई में हम लोग कुछ मैसेज कर रहे थे, उसका मैसेज प्लस अपना कुछ और लिख रहे थे, लेकिन फॉरवर्डिंग ऐसा नहीं होता है। फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई जोक आया, कोई चुटकुला कुछ भी आया, ठीक है, आपने उसको पढ़ा तो अच्छा लगा, आपने अपने दोस्त को शेयर कर दिए, तो उसमें आप कुछ लिखने नहीं है, जैसा आया वैसा उठा के सीधा भेज देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको उसमें सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है, FWD यानी फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड आप कर रहे हैं, और आपको एड्रेस देना पड़ता है आप जिसको भेजना चाहते हैं। अभी रिप्लाई में क्या था, रिप्लाई में आपको एड्रेस नहीं देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को पहले से पता है कि जो आपको भेजा है आप उसी को भेजना चाहते हैं, तो आपको अलग से उसमें टू देने की जरूरत नहीं है, उसका एड्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप किसको भेज रहे हैं। लेकिन फॉरवर्ड में आप जिसको फॉरवर्ड कर रहे हैं वो पता नहीं रहेगा, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि हम किसको भेजना चाहते हैं, आप जिसको भेजना चाहते हैं आप उसका ईमेल एड्रेस वहां पे लिखेंगे, तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी आता है डिलीट करने का। तो इससे कोई आप ईमेल आपके पास ज्यादा हो गया, या फिर कोई ऐसा ईमेल जो जिसे स्पैम वाला है तो आपके काम का नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसको डिलीट कर देंगे। तो आप जब भी कोई मेल खोलते होंगे, ठीक है, आप इनबॉक्स खोलेंगे या सेंड में जो भी फोल्डर खोलेंगे, वहां पे ऊपर में बहुत सारा ऑप्शन आता है, उसमें एक ऑप्शन था रिसाइकल बिन का, जैसे कचरे का जो डिब्बा होता है उसका ऑप्शन आता है। तो आप जब उस ईमेल को सेलेक्ट करेंगे, पहले वहां पे बटन्स होते हैं, ठीक है, वहां पे खाली खाली बॉक्स होता है, आप जब उस पर टिक करेंगे तो क्लिक हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप रिसाइकल बिन पे क्लिक करेंगे, मतलब उस ढक्कन वाले पाइप जो डिब्बा है डस्टबिन है उस पर जब क्लिक करेंगे उस आइकन पे, ठीक है, तो आपका जो ईमेल होगा वो डिलीट हो जाएगा। अभी हम लोग आगे बात करते हैं सेविंग और सर्चिंग का, ठीक है, कि आप जैसे कोई ईमेल लिख रहे थे आपको भूल गया कि क्या लिखना था, आप बाद में लिखने वाले हैं, समथिंग इस तरह का कुछ हो गया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको बिना भेजे भी सेव कर सकते हैं, ताकि आप बाद में भी अगर लिखना चाहें तो आप उसको पूरा लिख लें और फिर उसको भेजें, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सेव नाउ, जैसे मैसेज आता है मैसेज में लिखा था सेव नाउ का ऑप्शन आता है, तो आप उसको सेव नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपका ड्राफ्ट रूप में सेव हो जाएगा, आप जब तक उसको नहीं भेजेंगे तब तक वो कहीं पे नहीं जाएगा। अभी सर्चिंग है, आपको कोई ईमेल आपके आया आपके पास, आपको सर्च करना है, जैसे क्या होता है कि आपके पास 1000 ईमेल आ गए, 2000 ईमेल आ गए, आपको उसमें से अपने दोस्त का अपने किसी एक सर्च कोई भी एक सर्च करना है, तो आप अगर एक एक सब में देखेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका आता है सर्च करने का, ठीक है। तो आप जो भी आपको ईमेल आया और आप किसी नाम से आया किसी एड्रेस आया या उसमें कुछ स्पेशल वर्ड है आप उसको टाइप करेंगे, वो उससे सर्च करके बता देगा कि ऐसा ईमेल आया है। और लास्ट में आता है साइन आउट, तो हमने सबसे पहले साइन इन किया था अपने अकाउंट में, साइन इन किया था तभी आपको अपने अकाउंट में आपका इनबॉक्स था, आप जो मेल भेज रहे थे वो दिख रहा था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे अपने अकाउंट को साइन आउट कर देंगे ताकि दूसरा कोई आपके अकाउंट में ना घुसे बिना आपके पासवर्ड के, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है ये खत्म होता है, ठीक है। आपके नेक्स्ट शेड्यूल जब आएगा तो उस पर आपको इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइजेस हैं और क्वेश्चंस हैं उनका पीडीएफ भेजा जाएगा। आज के बस इतना ही, थैंक्स।